Hello everyone, you are watching MEC Gyan. I am Jyoti. Today I am going to explain about you Modal. Because last time हमने has have to के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे use of had go to के बारे में. जिसका formula है subject plus helping verb had go to plus verb का first form plus object. Okay, इसका identity जो काम करना पड़ता था पड़ा आदि. इसका एग्जांपल है फर्स्ट हमें मैम से स्कूल में अंग्रेजी से बातें करनी पड़ती थी. अंग्रेजी में नहीं, जैसे हमें मैम से स्कूल में अंग्रेजी से बातें करनी पड़ती थी. ओके, तो हमारा सब्जेक्ट है वी हेल्पिंग वर्ब हैड गॉट टू बातें के लिए स्पीक इन इंग्लिश टू मैम इन स्कूल. ओके, इसे फिर से समझा रही हूँ. वी हैड गॉट टू बातें के लिए स्पीक इंग्लिश में इन इंग्लिश टू मैम इन स्कूल. ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल, मोना को डेली स्कूल नहीं जाना पड़ता था. तो मोना, इसका हेल्पिंग वर्ब had got to, नहीं जाना पड़ता था, इसका नेगेटिव है. had not got to जाना के लिए, go to school daily. ओके, इसका ये नेगेटिव था. अब इसका इंटरगेटिव है, क्या नीना को रेस में भाग लेना पड़ा. ओके, क्या हैड नीना हेल्पिंग वर्ब हैड गॉट टू हैड नीना भाग लेने के लिए टेक पार्ट इन द रेस. क्वेश्चन मार्क, ये इसका इंटरगेटिव था. फिर से बता रही हूँ, एक क्या नीना को रेस में भाग लेना पड़ा. क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब हेड सामने आ जाएगा, फिर नीना सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब गोट टू भाग लेने के लिए टेक पार्ट इन द रेस में इन द रेस, ये इसका ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क. ओके, अब इसका फोर्थ एग्जांपल है, उसे नौकरी के लिए कहाँ जाना पड़ता था. ये डब्ल्यू एच है वेयर, कहाँ के लिए वेयर हैड वेयर हैड ही हेल्पिंग वर्ब में गो टू जाने के लिए गो टू के लिए फॉर नौकरी लास्ट में आ जाएगा जॉब. फिर से, उसे नौकरी के लिए कहाँ जाना पड़ता था. तो कहाँ के लिए वेयर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद तो सब्जेक्ट ही, फिर गॉट टू जाने के लिए गो टू फॉर नौकरी के लिए जॉब. ओके, एंड आवर कॉन्टेक्ट नंबर आर बीइंग फ्लैश टू ऑन द स्क्रीन. एंड कीप वॉचिंग MEC ज्ञान फॉर लेटर्स अपडेट्स. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर. थैंक यू.